हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू द माय इंटरेस्टेक यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम HTML एंड CSS का यूज़ करके एक ट्रांसपेरेंट लॉगिन पेज बनाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप हम इसका कोड लिखेंगे, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा किस तरीके से आप एक अमेजिंग ट्रांसपेरेंट लॉगिन पेज बना सकते हो और अपनी वेबसाइट को बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बना सकते हो। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लॉगिन पेज को हम बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे जाना है और वहाँ पे कोई एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है ना। और उस फोल्डर में आपको तीन फाइल्स बनानी है। पहली फाइल का नाम देना है index.html, दूसरी फाइल का नाम देना है आपको पास style.css css के लिए, और एक हमारे पास एक यहाँ पे इमेज है जिसका नाम है bg.jpg। अब आपको क्या करना है, इनको एक टेक्स्ट एडिटर में आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, index.html वाली फाइल में आपको HTML की बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लेनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख ली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है ना, ये आपकी style.css का यहाँ पे फोल्डर है, ठीक है ना। तो index.html वाले सेक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इस css को, style.css को यहाँ से कनेक्ट करते हैं, यानी कि इससे इसको लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, हेड टैग में जाना है और हेड टैग में जाके आपको यहाँ पे लिखना है लिंक टैग, ठीक है ना। लिंक लिख के यहाँ पे रिलेशन इज इक्वल टू हमें दिख देना है यहाँ पे स्टाइल सीट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके हाइफर रेफरेंस में आपको क्या करना है, style.css आपको यहाँ पे लिख देना है, ताकि हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कनेक्ट किया है, इसको लिंक किया है जो एक्सटर्नल css आपकी है style.css को HTML वाले सेक्शन में, ठीक है, ताकि हम जो भी css वाले सेक्शन में लिखेंगे वो यहाँ पे आपका अप्लाई होता जाएगा ऑटोमेटिकली से, ठीक है ना। तो हमने हेड टैग में पहला स्टेप तो ये किया है। अब हमें क्या करना है, बॉडी सेक्शन के अंदर, बॉडी सेक्शन के अंदर आपको एक डिव टैग बनाना है, ठीक है ना, डिवीजन टैग इसको कह देते हैं। और यहाँ पे एक क्लास मैं ले लेता हूँ, क्लास का नाम सपोज मैं लिख देता हूँ लॉगिन बॉक्स, लॉगिन और मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉक्स, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लास का नाम लिख दिया। और इस div टैग को मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब आगे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक हैडिंग ले लेता हूँ मैं, हैडिंग, और इस हैडिंग को क्लोज कर देता हूँ। अब इस हैडिंग में मुझे एक कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लॉगिन लिख दिया। थोड़ा मैं यहाँ पे इसको स्मॉल कर देता हूँ, जस्ट वेट, लॉगिन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस div टैग के अंदर ही एक और div टैग बनाना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक और div टैग बना लिया और div टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इस div टैग को कुछ क्लास का नाम देना है, क्लास मैंने यहाँ पे लिख दी, सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। अब इस टेक्स्ट बॉक्स क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक इनपुट टैग लेना है, ठीक है ना, उसमें टाइप इज इक्वल्स टू मैंने टेक्स्ट कर देना है। नेम में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम सिंपली HTML का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं सपोज यहाँ पे यूज़र नेम लिख देता हूँ, ताकि हम जो भी नेम एंटर करवाएंगे, यानी कि जो भी दिखेगा आपको वो यूज़र नेम होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने अब यहाँ पे कर दिया। तो फिलहाल इतना देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एक डिव टैग लिया, डिव टैग में मैंने एक क्लास बनाई लॉगिन बॉक्स के नाम से, ठीक है ना, और डिव टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक हैडिंग ली है यहाँ पे, ठीक है ना, हेडिंग में मैंने क्या किया, लॉगिन लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद इसी डिव के अंदर एक और डिव टैग लिया है, जहाँ पे मैंने क्लास का नाम मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया है। और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इस डिव के अंदर मैंने एक इनपुट टैग लिया है, जहाँ पे टाइप मैंने टेक्स्ट दिया है और प्लेस होल्डर मैंने यूज़र नेम कर दिया है। कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसको ओपन करके देख लेते हैं index.html फाइल को। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है, ऊपर लॉगिन लिखा है और नीचे यूज़र नेम लिखा है, और प्लेस होल्डर में देख सकते हो यहाँ पे यूज़र नेम आपका लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, दो स्टेप तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक यहाँ पे आइकन भी लगाएंगे हम, बाद में लगाएंगे, आइकन का काम बाद में है, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसी डिव के अंदर, यानी कि जो आपका डिव कौन सा है, लॉगिन बॉक्स वाला, इस लॉगिन बॉक्स के डिव के अंदर एक और डिव बनाना है। तो मैंने यहाँ पे डिव बना दिया और यहाँ पे डिव को क्लोज कर दिया। अब इस डिव को भी एक क्या दे रहा है आपको, क्लास देनी है। तो हमने यहाँ पे क्लास दे दी, क्लास का नाम भी मैं टेक्स्ट बॉक्स ही लिख देता हूँ, क्योंकि हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं आगे, ठीक है ना। और उसके बाद इस डिव के अंदर आपको क्या करना है, एक इनपुट टैग लेना है। इनपुट टैग में टाइप मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि हम पासवर्ड सेक्शन बनाने जा रहे हैं, नेम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ सपोज पासवर्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया, पी यहाँ पे हम कैप्स पे कर देते हैं, ठीक है ना, ये हमने कर दिया। अब कंट्रोल एस को सेव कर लेते हैं
और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका लॉगिन में यूज़र नेम भी आ चुका है और आपका पासवर्ड भी यहाँ पे आ चुका है। तो हमारे दो स्टेप तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके नीचे हमें क्या चाहिए, एक बटन भी चाहिए साइन इन का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे कोडिंग में जाना है, इस डिव टैग को यानी कि आपके कोड से डिव टैग में ही रहना है, आपको हमेशा लॉगिन बुक्स वाले डिव टैग में ही रहना है। और इसके बाद हमें एक और डिव टैग बनाना है, डिव टैग मैंने बना दिया, डिव टैग को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे डिव टैग में हमें क्या करना है, इसमें हम आपके आपको दोबारा से वैसे डिव टैग बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, इस डिव टैग को हम चलो क्लोज कर ही देते हैं, ठीक है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो। हम यहाँ पर लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बटन लिख देता हूँ, और यहाँ पे नेम को मैं हटा देता हूँ क्योंकि नेम की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो क्लास मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्लास पोज मैं BTN यानी कि बटन नाम से मैंने यहाँ पे इसके क्लास का नाम दे दिया। और एक वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे साइन इन यहाँ पे दे देता हूँ, साइन इन मैंने ये यहाँ पे इसको वैल्यू दे दी, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे काम कर दिया, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, मैंने इनपुट लेके टाइप बटन लिख दिया और क्लास में मैंने बटन इसका नाम दे दिया और वैल्यू साइन लिख दी। कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक बटन भी आपका आ चुका है, ठीक है ना। तो ये था हमारा कोड जो हमने HTML में करना था। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस पर ओनली एंड ओनली CSS हमें अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो CSS में हमें जाना है, यहाँ पे style.css में जाना है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ रहा है, पहले तो ये देखना है हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ आइकन्स भी लगाने हैं, जैसे यूज़र का आइकन लगाना है यहाँ पे, पासवर्ड की जगह पासवर्ड का आइकन लगाना है। तो ये आइकन भी लगाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इन आइकन्स को कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना के रखी है, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम आइकन को यहाँ पे क्या करना है, आपको style.css में आइकन्स वाले को इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पे @ यहाँ पे लिखते हैं हम, और यहाँ पे इम्पोर्ट कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी मेरी लोकेशन है, जो भी मेरा पाथ है आइकन का, वो हमें यहाँ पे दे देना है। तो मेरा जो पाथ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ https और यहाँ पे :// use.font awesome, ये मेरा पाथ है। और यानी कि जहाँ पे भी मेरा पाथ है, इसका पाथ है यानी कि जो मेरा आइकन्स का जो फ़ॉन्ट ऑप्शन की वेबसाइट से मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल डाउनलोड की थी, उस फाइल का ये पाथ है जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए किस तरीके से हम इसको इम्पोर्ट करने हैं, स्पेशल वीडियो मैंने इसके ऊपर बना के रखती है। मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, यही है https, ठीक है, यूज़ यहाँ पे एस लगाना है मेरे को, यूज़ ओके फ़ॉन्ट ऑसम .com/release/v5.5.0/css ओके तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेन काम और आता है, यहाँ पे हमने बॉडी टैग लिखना है, और इस बॉडी टैग के अंदर हमें क्या करना है, यानी कि बॉडी जो आपकी होगी, ये वाला आपका बॉडी टैग है यहाँ पे, ये वाला, इस पे क्या अप्लाई करना है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे CSS की। तो सबसे पहले तो हमें मार्जिन को 0 कर देना है और पैडिंग को भी हमें 0 कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। कंट्रोल एस को सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्जिन और पैडिंग इसकी 0-0 हो चुकी है, ये बिल्कुल ही यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपका आ चुका है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, देखते हैं सबसे पहले ना हम यहाँ पे आइकन्स का यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने इम्पोर्ट तो कर लिया है इसको, अब हम आइकन्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अपने HTML वाले सेक्शन में जाएंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज़र नेम की जगह पे यूज़र का आइकन, पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड का आइकन हमें लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपका टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे, जैसे यूज़र नेम का ये वाला है सेक्शन, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के तुरंत बाद आपको क्या करना है, क्लास यूज़ करनी है आइकन वाली। तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस आई के अंदर एक क्लास लिखनी है, क्लास में जो आइकन यूज़र का होता है वो होता है FAS FA, और यहाँ पर हमने यूज़र लिखना होता है, ये आपका यूज़र का आइकन होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये मुझे याद है। तो FAS FA यूज़र, ये यूज़र के आइकन के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने कर लिया, कंट्रोल एस इसको सेव करते हैं, Ctrl+R से रिफ्रेश करते हैं, जस्ट वेट, आई क्लास इज इक्वल्स टू FAS FA यूज़र, ओके Ctrl+S Ctrl+R जस्ट वेट गाइस। हाँ, यहाँ पे मुझे
यहाँ पे मुझे एस लगाना है दोस्तों, तो रिलीजेज आएगा यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस आर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा यूज़र का आइकन भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो सिमिलरली हमें पासवर्ड का आइकन भी लगाना है, तो पासवर्ड के आइकन के लिए हमें क्या करना है, सिमिलरली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमें लिखना है आई, ठीक है ना। आई लिख के यहाँ पे हमें एक क्लास, यानी कि क्लास का नाम देना है, क्लास इज इक्वल्स टू, पासवर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पासवर्ड के लिए हमें यूज़ करना है एफ ए आर, सेम है एफ ए आर स्पेस एफ ए, और यहाँ पे हम लोक यहाँ पे लिख देते हैं, कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूज़र का आइकन भी आ चुका है और आपका यहाँ पे पासवर्ड का आइकन भी, यहाँ पे लोक का आइकन भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो हमारा HTML वाले सेक्शन का काम तो खत्म हो चुका है, अब हमें स्टाइल यानी कि स्टाइलिंग करनी है, ठीक है ना। तो बॉडी भी हम लगा रहे थे, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में इसको देता हूँ सांस शरीफ दे देता हूँ। उसके बाद मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, जो बैकग्राउंड होगा इसका, इसमें हम URL टाइप करते हैं और यहाँ पे मैं इमेज डाल देता हूँ जो हमारे पास थी bg.jpg के नाम से, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं कंट्रोल S से सेव करता हूँ और कंट्रोल प्लस R से रिफ्रेश करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे इमेज भी आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे नो रिपीट की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ ताकि ये इमेज आपकी दोबारा से रिपीट ना हो, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया नो रिपीट, ठीक है, नो रिपीट की आपने प्रॉपर्टी लगा दी। और बैकग्राउंड के साइज को मैं कवर कर देता हूँ, बैकग्राउंड साइज मैं कवर कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से इस पर पूरी तरह से कवर हो जाए, कंट्रोल एस कंट्रोल प्लस आर। तो ये आपका सही से अब हो चुका है। अब ये पहला हमने CSS में काम कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, बॉडी वाले सेक्शन को छोड़ के अब हमें क्लास कौन सी, लॉगिन बॉक्स पे अप्लाई करना है। जो हमारे पास लॉगिन बॉक्स की क्लास थी उस पर हमें प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डॉट लगा के लॉगिन बॉक्स पे जाते हैं और इस पर प्रॉपर्टीज़ को हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि इसकी विड्थ हम ले लेते हैं, कुछ विड्थ हम ले लेते हैं 280 पिक्सल ले लेते हैं, और उसके बाद मैं पोजीशन ले लेता हूँ इसकी एब्सोल्यूट, उसके बाद मैं इसको एक मार्जिन ले लेता हूँ टॉप से, यानी कि ये होना चाहिए 50%, और लेफ्ट से ये होना चाहिए आपका 50%। ये मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और यहाँ से कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका सेंटर में थोड़ा सा आ चुका है। अब एग्जैक्ट सेंटर में इसको करने के लिए हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तो हमें लिखना है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म लिख के यहाँ पे ट्रांसलेट प्रॉपर्टी लगानी है, और यहाँ पे -50% हमें करना होता है और कॉमा लगा के फिर दोबारा से -50% यहाँ पे करना होता है हमें, ठीक है ना। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली ये मोस्टली सेंटर में आपका आ चुका है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा साइज, एक मिनट यहाँ पे देख लेता हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करना है नेक्स्ट, हमें क्या करना है यहाँ पे, इसका थोड़ा कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कलर को वाइट कर देता हूँ, वाइट, ठीक है, कंट्रोल एस कंट्रोल प्लस आर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो कलर है इसका वाइट हो चुका है। अब हमें इन बॉक्सेस पे हमें प्रॉपर्टी लगानी है, जैसे यूज़र नेम वाले पे और पासवर्ड वाले पे। तो हमें क्या करना है, इस पर प्रॉपर्टी लगानी है जो आपका लॉगिन बॉक्स की जो हैडिंग है, लॉगिन बॉक्स के अंदर जो हैडिंग है इस पर हमें प्रॉपर्टी लगानी है। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, लॉगिन बॉक्स वाले की हैडिंग पे यानी कि H1 पे हमें प्रॉपर्टी लगानी है। क्लास के लिए मैं यहाँ पे डॉट का यूज़ कर लेता हूँ, डॉट। अब हमें यहाँ पे हेडिंग पे क्या करते हैं, जैसे कि मैं फ्लोट इसको लेफ्ट कर देता हूँ ताकि लेफ्ट साइड में चला जाए। फॉन्ट साइज को मैं इसके बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज इसका होना चाहिए सपोज 40 पिक्सल इसको कर लेते हैं। और उसके बाद कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं और यहाँ पे कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं, तो आपका थोड़ा सा ये बढ़ चुका है साइज़, ये ऊपर नीचे हो चुका है, तो अब इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद मैं इसका एक बॉर्डर सेट कर देता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम 6 पिक्सल सॉलिड, मैं देता हूँ इसको हैस 4CA F50 ये देते हैं, और मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा इसका बॉटम से 50 पिक्सल ताकि ये सेट हो जाए आपका। और पैडिंग मैं इसको दे देता हूँ 13 पिक्सल के आसपास, ठीक है ना, 13 पिक्सल, और यहाँ पे 0 मैं दे देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं इसको, कंट्रोल प्लस आर से रिप्रेस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ये एग्जैक्ट पोजिशन में आ चुका है, बट जो आपका ये यूज़र का आइकन है वे ऊपर चला गया है, इसको भी हम सेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट हमें देखना है टेक्स्ट बॉक्स पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, इन टेक्स्ट बॉक्स पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से लेंगे,
इस टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको डॉट लगा के पेस्ट कर देंगे। और टेक्स्ट बॉक्स के आइकन पे हमें, आइकन पे बाद में लगाते हैं, पहले टेक्स्ट बॉक्स पे लगा देते हैं। तो हम इसकी विड्थ दे देते हैं सपोज 100%, ओवरफ्लो हम इसको कर देते हैं, हिडन कर देते हैं ताकि कोई फ्लो इसको ओवरफ्लो ना हो। और नेक्स्ट में हम कर देते हैं इसका सपोज करो फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज इसका होना चाहिए आपका 20 पिक्सल कर देते हैं। और पैडिंग मैं देता हूँ इसको 8 पिक्सल, 0 मार्जिन मैं देता हूँ इसको 8 पिक्सल, 0 टॉप और बॉटम से, यहाँ पे पी एक्स लिखना है, ओके। और उसके बाद मैं एक बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ उसका बॉटम से, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, और यहाँ पे सॉलिड कलर दे देता हूँ मैं थोड़ा सा 4CAF50, वही कलर दे देते हैं। कंट्रोल प्लस एस एस को सेव करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो थोड़ा सा ये आप देख सकते हो आइकन आपका एग्जैक्ट पोजीशन में आ चुका है। अब हमें आइकन पे भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ही जाएंगे और यहाँ पे जाके आई पे हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है टेक्स्ट बॉक्स के, तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, दैट्स अमेजिंग। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, विड्थ इसकी दे देते हैं आइकन की थोड़ी ही, जैसे कि 26 पिक्सल इसकी विड्थ दे देते हैं। फ्लोट मैं लेफ्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल आर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इनपुट पे भी थोड़ा सी इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, तो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो सेम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ डॉट, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते जाएंगे। सपोज मैं बॉर्डर इसका नन कर देता हूँ, बॉर्डर नन कि कोई बॉर्डर नहीं होगा इसका। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ आउटलाइन को नन कर देता हूँ कोई, ताकि कोई आउटलाइन इसकी ना दिखे। और बैकग्राउंड को भी मैं इसके नन कर देता हूँ, बैकग्राउंड नन, और कलर को मैं वाइट कर देता हूँ। चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं, देखो आप देख सकते हो तो बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है। अब थोड़ा सा मार्जिन वगैरह यानी कि दे सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ इसका 18 पिक्सल, ठीक है। और नीचे में जाके इसको विड्थ में दे देता हूँ, इसकी विड्थ में 80% दे देता हूँ, और फ्लोट को मैं लेफ्ट कर देता हूँ, और मैं मार्जिन को दे देता हूँ थोड़ा सा 0 and 10 पिक्सल। ये मैंने यहाँ पे दे दिया, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये तो आपका सेट हो चुका है, ठीक है ना। तो इनपुट किट सेट हो चुकी है, अब हमें बटन पे थोड़ा सा लगाना है, ये लास्ट स्टेप हमारा रह चुका है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट लगा के बटन क्लास को एक्सेस करना है, और यहाँ पे इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 100%, और बैकग्राउंड भी इसका नन कर देता हूँ मैं, और फिर उसके बाद बॉर्डर को मैं सेट करता हूँ, बॉर्डर को मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे कलर दे देता हूँ 4CAF50, वही सेम दे देते हैं। और यहाँ पे कलर इसका हम कर देते हैं वाइट, कलर को हम वाइट करते हैं, और यहाँ पे हम पैडिंग वगैरह दे देते हैं थोड़ा सा इसका 5 पिक्सल, चेक करके देखते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल प्लस आर। यहाँ पे थोड़ा सा बटन में थोड़ी सी एक और थोड़ा सा स्टेप रह चुका है, तो हमें पैडिंग दे दी इसमें, और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज सपोज मैं 18 पिक्सल इसको कर देता हूँ, और कर्सर को पॉइंटर रख देता हूँ, जैसे आप देख सकते हो तो कर्सर है यहाँ पे, ये दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं पॉइंटर इसको कर्सर को कर देता हूँ, तो कर्सर पॉइंटर, ठीक है ना। और लास्ट में एक मैं मार्जिन भी इसको थोड़ा सा दे देता हूँ, मार्जिन हम देते हैं इसको 12 पिक्सल and 0, ठीक है ना। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कर्सर भी आपका यहाँ पे पॉइंटर हो चुका है। तो ये हमने सक्सेसफुली अपना लॉगिन पेज बना लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आप यूज़र नेम लिख सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों, और यहाँ से साइन इन पे क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें बनाना है, आप यहाँ पे कोडिंग देख सकते हो।
इसका जो आपकी जो कोडिंग है, इसका मैं सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।